हर पॉइंट में हम बात करते हैं जहां लेबर एक जीवन का ग्रैंडिफिकेशन और बहुत पावरफुल होता है। क्या आप जानते हो जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो शायद आपका जवाब होगा यहां से आना हो। आप ये भी सोच रहे होंगे कि सो यार सामने वाला कह रहा है, हमें क्या पता क्या कहना चाह रहा है। लेकिन जो मैं आज बता रहा हूं, अपने ब्रांड, अपना टैलेंट, अपनी क्वालिटीज, अपनी एबिलिटीज, क्या आप जानते हो आपकी माइंड की पावर, आपकी मेमोरी क्वालिटी, आपका टैलेंट, आपकी पावर कितनी बड़ी है। इस दुनिया के अंदर जिस काम को आपको करने में मजा आता हो, जिस काम के अंदर अनलिमिटेड लगाव हो, वो आपका जीवन का करियर है, वो आपका फैशन है, आपका पैशन है। यदि आप एजुकेशन लाइन में स्टडी में आप इंटरेस्टेड रखते हो, बट इन इंटरेस्टेड इन एजुकेशन लाइन कंप्लीटेड नाउ 12 आवर्स रेगुलर इन स्टडी एंड फ्यूचर इन अवेट एंड सक्सेस नाउ, what do you mean that everything about it here we have to continue regular, क्या जानते हो क्या जीवन का मकसद जानते हो, एक और एग्जैक्ट अपनी लाइफ का मकसद होता क्या है। कुछ लोग कोशिश बहुत करते हैं अपने टारगेट के प्रति, अपने आप को बहुत जीतो और स्ट्रगल करते हैं, लेकिन स्ट्रगल करने के साथ साथ अपनी मंजिल को नहीं पाते, सोचते कि यार हमसे नहीं हो पा रहा, ऐसा क्यों होता है, उसका मकसद क्या है, एग्जैक्ट रीजन क्या है। उसी टॉपिक को मैं गहराई से लेते हुए आगे बढ़ाता हूं। साथ ही एक फैमिली के अंदर दो दोस्त है, दोस्त बहुत अच्छे थे, बहुत गहरे थे। एक दोस्त ने एजुकेशन में बीटेक किया, पॉलर टेक्निक बीटेक एमटेक किया, और दूसरे ने क्या काम किया, सेम टू सेम उसने भी पॉलर टेक्निक बीटेक और एमटेक किए, सर्चिंग जॉब जॉब की तलाश में ईरान पर घूम रहे थे, चारों दिशाओं में भटके हुए थे, इंटरव्यू देने के लिए चाहते थे, जहां पर इंटरव्यू दबा के लिया जाता था, खींचकर इंटरव्यू लिया जाता था, दो घंटे वो आराम सना बोल रहे सोचते, दुनिया भर के जवाब पूछे जाते थे। लेकिन मुश्किल से जवाब से निकलता था, तो ठीक था। तो साथियों एक दोस्त की कंपनी में जाता है, हर कंपनी में इंटरव्यू देना था, दो घंटे का हुआ इंटरव्यू देने के बाद सेलेक्ट किया गया, और उसके बाद में लास्ट में उससे पूछा गया, आप ये जॉब करना क्यों चाहते हो। उसने कहा था, मैं अपने फैमिली और परिवार और अपने जीवन को चलाने के लिए करना चाहता हूं। तो कंपनी ने उसको निकाल दिया, भगा दिया। आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, शायद उसका जवाब हमारे हिसाब से आइडिया से ठीक था। दूसरे से बोला कि आप पास कर लिया गया है, क्या आने वाले टाइम के अंदर आप 20,000 दिया जा रहा है एडिशनल, एंड इन फ्यूचर में आपको 2,000 मिलेगा, क्या आप छोड़ोगे, डेफिनेटली श्योर। उसने आप मुझे ये बताइए कि आप इसके जनरल मैनेजर हो, आपको 2,000 करोड़ मिलेगा, लेकिन आपको 10,00,000 का ऑफर होगा तो क्या आप नहीं जोड़ोगे। उसने कहा ठीक है, उसको निकाल दिया गया था। दोनों बड़े हिरासमेंट हुए, फील हुए, इंटरनल दुखी हुए, और जा रहे थे रास्ते में, यार क्या यार दुनिया के लोग होते हैं यार, और सर बड़ा फील हो रहा था। साथ ही उन्होंने बाहर माइंड के अंदर दुनिया भर के सवाल जवाब से निकालने स्टार्ट किए, इस तरह के सवाल उसके माइंड में घूम रहे थे, जाते जाते एक बार क्या हुआ था, जाने रास्ते में जा रहे थे और उन्होंने एक आसमान की तरफ नजर देखी। जब आसमान में उन्होंने देखा तो एक बहुत शानदार से उड़ रहा था, बहुत नजारा था, एक बादलों के ऊपर उड़ रहा था। बाज की यह हरकत देखकर एक घंटा से वो लगातार उसको देखने लगे। साथियों उन दोनों दोस्तों के बारे में माइंड के अंदर एक आइडियाज निकलता है, एक आइडियाज निकलता है, करियर से रिलेटेड बनता है। आखिरकार यूं कब तक चलते जाइए इस परमस्था के जीवन पर, अविरोचित कर्म करो, मानव हो तो कुछ कर्म करो। बस एक आवाज उनके अंदर से निकली, उसी टाइम उन्होंने बाज की एक्टिविटी को देखकर माइंड के अंदर एक लक्ष्य बना लिया, एक टारगेट बना लिया, क्या हम एक ऐसी मशीन बनाए जिसको हमारे उड़ा सकते हैं। वो मशीन दुनिया के लिए ऐतिहासिक बन सकती है, और हमारे पूरी दुनिया के अंदर हमारा बहुत बड़ा नाम हो सकता है। दोस्त इस तरह का प्लान उन्होंने जब सोचा, घर में आने के बाद अपनी फैमिली परिवार को बताया तो लोग और हंसने लगे, मजाक बनाने लगे, क्या पागल, क्या तो घर को उड़ाएगा, क्या हॉर्न उड़ेगा,
इसलिए कहना उल्टे सुल्टे सवाल जब फैमिली ने पूछे गए तो बड़ा रियलिटी फील किया, था लिया था मुझे नहीं करना है, सोच लिया था, माइंड के अंदर दे लिया था, बस डिसीजन ले लिया था, डेडिकेट हो गया, डिटर्मिनेशन कर लिया था, पूरी ताकत के साथ दोनों ने एक साथ कर लिया था और उन्होंने एक आविष्कार रिसर्च किया। दो लकड़ी के लट्ठे लिए, लकड़ी का जो तनाव होता है पेड़ में उस टाइप से बड़े बड़े खंभे लिए दो और उनके अंदर एक घूमने वाला फैन लगाया, फैन समथिंग 10 फीट लंबा, 2 से 3 फीट चौड़ा और ले जाने के बाद उसने किंचन छोटा सा लगाया और पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए थे आविष्कार को रिसर्च करने के लिए। और रिसर्च नाउ इज दोस्तों, जब पहाड़ पे हो गए तो पहाड़ पे उन्होंने उसको स्टार्ट किया, इंजन नॉर्मल था जैसे अपना नॉर्मल इंजन होता है, घरेलू टाइप का था, इसलिए इंजन को स्टार्ट किया तो बाद इसमें से उड़ा 3 फीट ऊपर, उड़ा 3 फीट ऊपर उड़ने के बाद नीचे गिर गया था और उनके लकड़ी का टूट टाट कर उनके जो पुर्जे थे स्क्रू थे सब पैर डाल गए थे। पहले ये बड़े हराश नहीं हुए, फेल हुआ कि करना है, 3 फीट उठाया 300 फीट भी उड़ेगा। उसके बाद चीत और 10 दिन लगातार मेहनत की, 10 दिन लगातार मेहनत करने के बाद में 10 से 20 दिन का जीत और संघर्ष किया। उस संघर्ष के अंदर उसी टाइप का एक नई मशीन का ऑर्गन किया था और दिन रात एक कर दिया था, बस सोते वक्त जाते वक्त एक ये थोड़ा कि दुनिया के अंदर वो करके दिखाएंगे जो दुनिया की बहुत नई समस्याएं सॉल्व होंगी। उसके बाद उसी टाइप की बड़ी बड़ी लकड़ी आ गई जिसकी लंबाई कम से कम 12 से 15 फीट थी, चौड़ाई 4 से 5 फीट थी, पूरा टेक्निकल सेट किया, टायर लगाए, पूरा सिस्टम सेट किया और उसको आपकी बात खेतों में दूर ले गए थे, करीब गांव से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ डिस्टेंस से दूर थे और जब स्टार्ट किया उसको बहुत रन किया तो वो करीब 200 फीट ऊपर उड़ा और उड़ रहा था, उड़ने के बाद ऊपर से अचानक उसका कनेक्टर था जो डिस्पेच हो गया, ऊपर से नीचे आया, पूरा टूट गया, खत्म हो गया था। एक 20 दिन 10 से 20 दिन का अनलिमिटेड स्ट्रगल इंसास नहीं दोगा। अगली बार एक डिसीजन लिया, ताकत के साथ डिसीजन लिया, अगली बार हम दुनिया में वो करके दिखा देंगे जो पूरी दुनिया एक ऐतिहासिक हिस्ट्री के अंदर बदल देंगे। अगली बार एक उसी टाइप से बड़े बड़े एक उसी टाइप का इंजन सा सेट किया था, हेलीपैड एक जो पंख था जो जो पक्षी को देख रहे थे उसी टाइप से पूरा सेटलमेंट किया, आगे से उसी टाइप का सकड़ा पंख टाइप लीवर और समथिंग 40 से 50 दिन की अनलिमिटेड मेहनत थी। अनलिमिटेड मेहनत, वो मेहनत जिसको शिष्य में देखकर कहा जाता है वास्तव में मेहनत की थी। 12-12 घंटा 18-18 घंटा 20-20 घंटे अपने काम में लगे रहते थे, खाने तक पता नहीं लगता था। ये बात जो बता रहा हूं राइट बंदों की बता रहा हूं, राइट ब्रदर्स अमेरिका के रहने वाले थे और उसके बाद उन्होंने उस मशीन को बना के रख दिया, पहाड़ पे ले गए थे, पहाड़ पे लेने के बाद में 300 किलोमीटर तक उड़ान भरी और उड़ान तो भरा था लेकिन घुमाने का तरीका, कंट्रोल करने का तरीका नहीं आ रहा था। उसके बाद बड़ी मुश्किल से जाकर उसको कंट्रोल किया, नीचे खड़ा, उसके बाद उसमें टेक्निक लगे, दिमाग लगाया और पूरी दुनिया के सामने एक बना के रख दिया एहसास, एक विमान, एक हेलीकॉप्टर जिसमें आज के टाइम में कुछ मिनटों के अंदर कुछ घंटों में ही लाखों किलोमीटर की दूरी को तय किया जा सकता है। लोगों को ये दिमाग का खेल था, क्या वो भी सोच रहे थे पॉसिबल नहीं है पक्षी उठ जाए, तो लोगों को हवा उड़ा के दिखा दिया। जिंदगी में हिम्मत कभी मत हारो, जीवन के अंदर हिम्मत कभी मत हारी, आप सब कुछ कर सकते हो इस वर्ल्ड में, दुनिया के अंदर सब कुछ संभव है, दैट इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इन कंफर्म, वो दुनिया में सब कुछ संभव है। जिस दिन हिम्मत हार गई ना उस दिन कुछ भी संभव नहीं होगा, आपके अपने मजाक बनाने लग जाएंगे, वो लोग हंसेंगे जिनके सामने आप खड़े हो रही है ऐसे नहीं है, वो लोग आपसे बोलेंगे अरे यार इस तरह की बातें लगाने लग जाएंगे, यार जमाना को देखो यार, जमाना बहुत ही गैरेंटी की तरह रंग बदलता है। आपके अपने जब सफल, जब आपके अपने जब आपके पास कुछ नहीं होते तो हंसी मजाक बनाते, जब आपके अपने जब आपके पास सब कुछ होते तो वही रंग बदल देता। मैंने तो बताया पहले से ही था कि दुनिया ने कुछ नया कर भी दिखाएगा। दोस्तों ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, इस चीज को पहचानो। तो बस मैं आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगा।